सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स आगामी 18 जनवरी से झंडे की रस्म के साथ शुरू होगा। इन्हीं को लेकर आज दिल्ली के मेहरौली शरीफ से मलंगों का एक दस्ता अजमेर के लिए रवाना होता है, जो सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छड़ियाँ पेश कर झंडे का उर्स का आगाज देता है। यही वजह है पुरानी परंपराओं में मलंगों द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छड़ियाँ पेश कर झंडे का आगाज किया जाता था। मलंग लोगों के आने से ही पता चलता था कि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शुरू होने जा रहा है। मेहरौली के शरीफ से मलंगों का जत्था पैदल यात्रा पर निकल चुका है, जहां वे कई किलोमीटर की यात्रा करके अजमेर पहुंचेगा और अजमेर शरीफ में सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में झंडे छड़ियां पेश कर इसकी शुरुआत करेगा। मलंगों का जत्था हैरत अंगेज कारनामों के साथ आता है, जहां पे लोग उन्हें देखते ही उंगलियां दबा लेते हैं। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स शुरू होने जा रहा है। मलंगों का जत्था दिल्ली के मेहरौली शरीफ से रवाना हो चुका है। जगह जगह मलंगों के जत्थे का स्वागत भी किया जा रहा है। मलंगों का जत्था दिल्ली शरीफ के मेहरौली शरीफ से मलंगों का जत्था है जो रवाना हुआ है। देख सकते हैं दिल्ली में मेहरौली शरीफ के जो मलंग है वहाँ की दरगाह से जत्था निकला है, हाथों में छड़ियाँ यानी झंडे लेकर परचम लहराते हुए ख्वाजा साहब की दरगाह पहुँचेंगे। यहाँ पे हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में झंडे की परचम कुशाई होगी। देख सकते हैं आप दैनिक आगाज के चैनल के माध्यम से छड़ियों का जुलूस मलंगों द्वारा वहाँ से रवानगी है। रास्ते में कई गए जगह जगह इनका स्वागत होने होगा और यहाँ पर जो गगवाना है वहाँ पर इनका एक दिन पहले ही आने का होगा और यहाँ पर इनका है पुरजोर से स्वागत भी किया जाएगा। अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह में छड़ियाँ पेश कर उस तक यहाँ पर ही सीमित रहेंगे ये मलंग।